अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है क्वोशेंट रूल। इससे पहले हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। प्रोडक्ट रूल में क्या था कि जब भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते थे तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगा देते थे। अब क्या है कि अगर दो या दो से ज्यादा कभी कोई फंक्शन डिवाइड हो रहे हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा प्रोडक्ट रूल बेसिक रूल है क्या कि अगर मेरे पास डी बाई डी एक्स है, एक फंक्शन है यू बाई वी, इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं कि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूं और इसको मैं सेकंड फंक्शन ले लेता हूं, ठीक है। अब देखें जरा, वी स्क्वायर वी एज इट इज आ जाएगा जो सेकंड फंक्शन है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, प्लस यू एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वी आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक रूल है, मीन सेकेंड फंक्शन का स्क्वेयर सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव। अब इस पे एक एग्जाम्पल भी कर देते हैं। एग्जाम्पल देखें जरा कि अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और u बाई वी है, u की जगह मैं लिख लेता हूं सॉरी साइन x और v की जगह मैं लिख लेता हूं x, ठीक है। जस्ट एक एग्जाम्पल है, दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माई सेकेंड फंक्शन, तो ये किस चीज के बराबर आएगा देखें जरा, नीचे जो सेकेंड फंक्शन है उसका स्क्वेयर सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, ठीक है। एक्स स्क्वेयर एज इट इज आ जाएगा अपनी जगह। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपनी जगह पे साथ वन आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। स्टिल भी अगर कोई इशू है कोई भी आप सेंड कर सकते हैं, अगर किसी फंक्शन की समझ नहीं आ रही, डेरिवेटिव में प्रॉब्लम हो रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।